कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंसेस बताऊंगा। तो अगर आप एक बिगिनर है अमेजोन FBA सेलर, मतलब अमेजोन FBA का अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको अभी बता चल चुका है, तो आप में के मन में कन्फ्यूजन होगा कि आपको किस टाइप का बिजनेस आपको सेटअप करना है। कई सारा लोग, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं या आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ आपको बता नहीं रह सकता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊंगा कि किस टाइप का ऑफ बिजनेस से आपको स्टार्ट करना है। आपको प्रोप्राइटरशिप लेना है या प्राइवेट लिमिटेड लेना है, कौन सा आपको बेनिफिशियल रहेगा, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर रखा है लीगल एंड टैक्सेशन के ऊपर मेरे चैनल पर, और दो अलग प्लेलिस्ट भी है माइंडसेट और अमेजोन FBA का। तो अगर आप इस चैनल के लिए नहीं है, वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं, तो दोस्तों जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इंडिविजुअल में दो आता है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो हम सिंपल पार्टनरशिप भी कहते हैं, और कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, OPC प्राइवेट लिमिटेड मतलब 1% कंपनी, और LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोप्राइटर विल बी लायबल, और यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी टू डायरेक्टर्स अप टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि प्रोप्राइटरशिप में जो भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि GST और बैंक अकाउंट, आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड से ही आप अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए आप खुद लायबल बन जाएंगे आपका बिजनेस के लिए। मतलब आपने बिजनेस के लिए आपने कोई लोन लिया है, आप चुका नहीं पाए हैं, आपका बिजनेस के ऊपर कोई केस बन चुका है, तो आप खुद लायबल बन जाते हैं। तो आपका असेट्स, आपका खुद का प्रॉपर्टीज़ के मतलब मुश्किल में पड़ सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है, प्रोटेक्शन है आपको लायबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको क्या होता है, आपको एक सेपरेट आपको सेपरेट पैन कार्ड मिलता है। तो उस पैन कार्ड से आप जो भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि GST, बैंक अकाउंट, वो लेंगे, तो आप इसलिए एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है। तो मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP, वो एक रोबोट आप मान सकते हैं जिसको आप चला रहे हैं एज ए डायरेक्टर। तो अगर कुछ हो जाता है तो उस रोबोट को आप बंद कर सकते हैं। मतलब आपका खुद का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मतलब लायबल नहीं बन जाता है, आपको खुद का असेट्स लायबल नहीं बन जाता है। तो ऑफकोर्स कुछ मतलब वेस्ट रहता है, तो बैंक अकाउंट का, ट्रांसफ़र का, वो सब कुछ केयरफुली आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड का। और यहाँ देख सकते हैं, कॉम्प्लायंसेस एंड पेपर वर्क इज़ लेस, और यहाँ कॉम्प्लायंसेस एंड पेपर वर्क इज़ वेरी हाई। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लायंसेस, पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही आसान है। मतलब आपको किसी CA का सिग्नेचर भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा, आपको आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड से आप GST ले सकते हैं, तो आपका प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन बन जाता है। आप ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हैं, शॉप एक्ट लाइसेंस ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप अमेजोन FBA कर रहे हैं तो सिंपल है, आपको आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड से आप GST ले सकते हैं, तो आपका प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और कंपनी में आपको मतलब कई सारा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको नेम डिसाइड करना है, आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, आपको CA का डिजिटल सिग्नेचर का बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको खुद भी डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। MOA फाइलिंग्स रहता है, कई सारा फाइलिंग्स रहता है। MCA पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लायंसेस थोड़ा ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले कहा, मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बनाने के लिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, नो मिनिमम कैपिटल, यहाँ मिनिमम कैपिटल है। तो प्रोप्राइटरशिप में कोई मिनिमम कैपिटल उस तरह नहीं रहता है, आप मतलब कोई रूल्स नहीं है गवर्नमेंट और अथॉरिटी के तरफ से कि आपको इतना मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करना है, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट में इतना कैपिटल रहना चाहिए, उस तरह कोई रूल्स नहीं है प्रोप्राइटरशिप में। पर कंपनी में रूल्स है, प्राइवेट लिमिटेड के, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कैपिटल 1 लाख का मिनिमम कैपिटल रहना चाहिए। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब सेटअप करते हैं, तो आपको अराउंड 3 मंथ्स में एक फाइलिंग करना पड़ता है, जिसमें आपको दिखाना है कि आपका जो कंपनी का करंट अकाउंट है, उसमें 1 लाख आपने ट्रांसफ़र किया है, आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो उस तरह है। और आपको और एक चीज़ क्या है कि आपको मतलब प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उस तरह नहीं है, मतलब चाहे एक हो सकता है, वरना अगर सिंपल पार्टनरशिप में, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे।
पर कंपनी में क्या होता है, मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रहना ही चाहिए, मैक्सिमम में अराउंड 100 डायरेक्टर्स हैं। पर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब 1% कंपनी, इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर रह सकते हैं, ऑब्वियसली नेम कहता है जिसे वो 1% कंपनी। और LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर मिलके ही करेंगे, तो इसमें लायबिलिटी का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, नॉट प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो प्रोप्राइटरशिप में अगर आप आपका बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, आपका एक आइकॉनिक आइडिया है, आप इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं आपका जो आइडिया मतलब या आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो प्रोप्राइटरशिप प्रिफर नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स ज़्यादातर। पर प्राइवेट लिमिटेड में मतलब एक वैल्यू रहेगा, मतलब ब्रांड वैल्यू रहेगा। MCA पोर्टल में आपका कंपनी का नेम अगर आप टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा, तो वो सब कुछ मतलब एक फॉर्मल तरीके से एक अच्छा रिकग्निशन मिलता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स प्रिफर करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर Amazon FBA बिजनेस के लिए मतलब ज़्यादातर नहीं हो, मतलब चाहिए होगा आपको उस तरह मतलब रिकग्निशन, तो बस मैंने डिफरेंस के लिए कहा। होल्डिंग्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, सिंपल पार्टनरशिप में मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया है होल्डिंग्स के ऊपर। होल्डिंग्स मतलब सेपरेट कंपनी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड से ही आप बिजनेस कर रहे हैं, तो होल्डिंग्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, पर इसमें होल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपका कंपनी का जो पैन कार्ड रहता है ना, उस कंपनी से और एक कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं और उस कंपनी का एक डायरेक्टर बना सकते हैं। तो मैं बस ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको उतना जानने की भी ज़रूरत नहीं हो सकता है अगर आप बिगिनर है तो। और यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ITR टैक्स रेट डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफकोर्स, और फ्लैट ITR रिटर्न, और यहाँ फ्लैट ITR टैक्स रेट। तो टैक्स रेट क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप में आपका जो टर्नओवर के हिसाब से आपको टैक्स रेट डिपेंड होता है। अगर आपने कुछ अमाउंट रहता है कुछ अमाउंट रहता है उस वक्त तक आपको टैक्स रेट ही नहीं पड़ता, मतलब टैक्स ही नहीं पड़ता है, आपको बस ITR रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ITR रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो भी मतलब जिनका भी पैन है, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी का पैन कार्ड हो, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको टैक्स फाइल करना मतलब ज़रूरत ही है। तो उसका टैक्स रेट मतलब प्रोप्राइटरशिप का टैक्स रेट उसका टर्नओवर के हिसाब से डिपेंड होता है, कितना ज़्यादा टर्नओवर करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। पर कंपनी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ITR टैक्स रेट फ्लैट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, चाहे कितना भी आप टर्नओवर करो आपको 30% टैक्स रेट टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हुआ हो, OPC हुआ हो, LLP हुआ हो या पब्लिक लिमिटेड हुआ हो, तो उसमें फ्लैट टैक्स रेट रहता है, बिगिनर्स के लिए वो मुश्किल हो जाता है या नया कंपनीज के लिए। तो ये रहा दोस्तों कुछ मेजर डिफरेंसेस है। तो दोस्तों अगर आप एक Amazon FBA कर रहे हैं तो आपको मैं यही रेकमेंड करता हूँ, आप प्रोप्राइटरशिप से ही आप स्टार्ट कीजिए। मैंने भी वैसा ही किया था, प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट किया था, और अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स के बाद जब आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, तब आप आपकी प्रोप्राइटरशिप को आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रोप्राइटरशिप में आपको कॉम्प्लायंसेस बहुत ही कम रहता है, आप कॉस्ट भी आपको उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, फाइलिंग्स हुआ हो मैनेज आप खुद कर सकते हैं अगर आप टाइट बजट में कर रहे हैं। पर प्राइवेट लिमिटेड में जैसे मैंने कहा, सभी के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, CA सिग्नेचर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कॉस्टली पड़ जाता है एज ए बिगिनर, और कंप्लायंसेस भी आपको ज़्यादा है जिसमें आपको टाइम वेस्ट मतलब आपका एनर्जी ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एज ए प्रोप्राइटरशिप आप स्टार्ट करें, और जब आपके बिजनेस ग्रो होगा तब आप आपकी प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हुआ हो या OPC प्राइवेट लिमिटेड हुआ हो, तो उस तरह आप चेंज कर सकते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी का। तो इनिशियली ये सभी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है प्राइवेट लिमिटेड का, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकता है क्योंकि आपका बिजनेस का टर्नओवर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मुझे मेरा पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा, ecomgyan.com है,
तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप Amazon FBA का गाइडेंस मिलेगा, आपको फॉलो करना पड़ता है। और मेंटरशिप में आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो जो भी एस्पेक्ट्स रहता है Amazon FBA का, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च हुआ हो, प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना, लिस्टिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो दोस्तों अगर आप सीरियस हैं Amazon FBA को लेकर, आप ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए सही रहेगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।